हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर सेकंड का लास्ट वीडियो, सॉरी लास्ट नहीं है, लास्ट सेकंड वीडियो हैगा ये, जिसमें हम लोग टेरेस्टेरियल प्लांट्स का लास्ट टॉपिक है, प्लांट्स इन कोस्टल रीजन, जो समुद्र के आसपास वाले रीजन रहते हैं वहाँ वो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या क्या अडेप्टेशन रहती है ये समझेंगे। देन हम उसके बाद समझेंगे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में कि एक्वेटिक प्लांट्स किस टाइप्स के होते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं वाटर के अंदर। उसमें हम समझेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स। ओके बेटा, टेरेस्ट्रियल टाइप है प्लांट्स इन कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जो सी शोर्स के आसपास वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पे प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। सर्टेन रीजन्स नियर सी कोस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल, द वाटर कैन बी सॉल्टी। कोस्टल रीजन्स आर हैव टू होम टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, जो कोस्टल रीजन होते हैं बहुत सारे प्लांट्स के लिए होम होते हैं। यहाँ पर लगभग मतलब जो देखने को मिलते हैं प्लांट्स वो कौन से होते हैं, कोकोनट और पेपर प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं ऐसे रीजन में। तो कोस्टल रीजन्स में कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, कोकोनट और पेपर प्लांट। नाउ कुछ चेक पॉइंट से चूज द करेक्ट ऑप्शन में, ट्रीज ग्रोइंग इन हिली एरियाज मोस्टली हैव निडल शेप, हमने देखा था। डैश प्लांट्स आर नियर सी कोस्ट कोकोनट, विच ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन मार्शेस, क्लेज। नाउ द टॉपिक इज एक्वेटिक प्लांट, जितने अभी हमने पढ़े टेरेस्टेरियल के लिए पढ़े। नाउ वॉट अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स, तो प्लांट्स दैट हैव अडेप्टेड टू लिव इन एक्वेटिक एनवायरमेंट, मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहना सीख लेते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, जैसे सॉल्ट वाटर हो या फ्रेश वाटर। थ्री टाइप्स के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं यानी तैरते हैं, फिक्स्ड प्लांट जो फिक्स रहते हैं, और अंडर वाटर प्लांट यानी पानी के अंदर होते हैं। नाउ फर्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट, दिस प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिट्यूस, डकवीड आर कॉमनली फाउंड फ्लोटिंग प्लांट्स। दे हैव स्पंजी बॉडीज दैट आर फिल्ड विथ एयर, दैट दिस मेक्स देम लाइट एंड एनेबल देम टू स्टे फ्लोट्स। यहाँ पर जो ये प्लांट्स जो होते हैं वो ईजिली फ्लोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए वाटर हाइसिंथ, वाटर लेटस एंड डकवीड। इनका स्ट्रक्चर इसके अंदर इस तरीके से बनाया है, उनकी बॉडीज जो होती है स्पंज जैसी होती है, जिसके अंदर एयर भरी हुई रहती है, जिसके कारण बॉडी क्या हो जाती है, लाइट होती है। वो जैसी बॉडी लाइट होती है तो वो क्या करने लगती है बेटा, तैरने लगती है। तो इसके कारण ही वो प्लांट्स को क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग प्लांट है, जिससे वो मूव कर सकते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा है वाटर हाइसिंथ। नाउ फिक्स्ड प्लांट, जो कि क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। दिस एक्वेटिक प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड टू द मड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, जैसे तालाब होते हैं ना, तालाब के बिल्कुल नीचे तक वहाँ की जो मड रहती है, मिट्टियाँ रहती है, रहती है वहाँ पर फिक्स रहती है इनकी रूट्स। लोटस एंड वाटर लिली, लोटस और वाटर लिली इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। फिक्स अडेप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट में, अलग अलग तरीके से रहना सीख लेते हैं उस इन्वायरमेंट में वहाँ। अब उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, दे हैव थिन हॉलो एंड फ्लेक्सिबल स्टेम दैट हेल्प द प्लांट्स टू मूव, टू स्टे फ्लोट एंड बेंड विद द फ्लो ऑफ वाटर। उनकी जो स्टेम्स रहती है ना, वो फ्लेक्सिबल होती है, जिससे वो क्या हो बेटा, स्टे फ्लोट, मतलब फ्लोट हो सकती है पानी से जिस भी डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा है, उस अकॉर्डिंगली वो बेंड कर लेती है। द प्लांट्स आर दस नॉट डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग वाटर करंट, जिसके कारण जब ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा लहरें चलती है या कुछ इस तरीके से वाटर करंट प्रेजेंट होता है, तो उससे वो डैमेज नहीं होती। दे हैव फ्लैट ब्रॉड लीव्स विद अ वैक्सी कोटिंग ऑन द सर्फेस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग, खराब होने से बचाती है, क्योंकि उनकी लीव्स पे क्या होता है, वैक्सी कोटिंग होती है। फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू गेट सफिशियंट एयर एंड सनलाइट, जो उनकी फ्लैट लीव्स होती है वो और चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, जिससे वो सफिशियंट अमाउंट में एयर और सनलाइट को ले सके। दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ लीव्स, लीव्स के ऊपर की साइड स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो गैस का एक्सचेंज करता है। नाउ द थर्ड वन इज अंडर वाटर प्लांट्स, पानी के अंदर होते हैं जो, दिस एक टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, मतलब बिल्कुल पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रिला और वैलिसनेरिया, टैप ग्रास जो होते हैं एग्जाम्पल होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स के। अंडर वाटर प्लांट्स को भी अलग अलग तरीके से वो स्पेशल वेज होते हैं जिससे वो अपने आप को अडेप्ट एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं। देयर रूट्स एंकर द प्लांट बॉडीज टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, उनकी भी जो रूट्स रहती है बिल्कुल पॉन्ड के बॉटम में क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। दे हैव फ्लेक्सिबल, इनकी भी फ्लेक्सिबल स्टेम्स होती है ताकि ये वाटर करंट को रेजिस्ट कर पाए। हाइड्रिला एंड टाइनी लीव्स विद वाइल्ड टैप ग्रास हैज नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स, हाइड्रिला की बहुत छोटी छोटी होती है और टैप ग्रास की नैरो और रिबन टाइप की। दिख रहा है आपको डायग्राम में टैप ग्रास,
स्पेसेस इन देयर स्टेम। जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा नहीं होते हैं, तो वो लोग उनके स्टेम में जो होल्स होते हैं, एयर होल्स, एयर स्पेसेस रहती है, वहाँ उस जगह से ब्रीथ करते हैं। सो आज हमने देखा कि कोस्टल एरिया में कैसे प्लांट्स होते हैं। कोस्टल एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर भी होता है, तो ऐसी जगह पे हमने कोकोनट ट्री देखे थे। फिर हमने समझा था एक्वेटिक प्लांट्स, तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि वाटर के अंदर ग्रो करते हैं या वाटर में ग्रो करते हैं। तीन टाइप से देखे थे, फ्लोटिंग प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स एंड द फिक्स्ड प्लांट्स। ठीक है, थ्री टाइप्स थे, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स जो कि फ्लोट कर सकते थे वाटर में, इनकी रूट्स, इनकी बॉडी में स्पंजेस रहते थे जिसमें एयर फिल हो जाता था, जिससे उनकी बॉडी लाइट हो जाती थी और वो इजीली मूव कर लेते थे। फिक्स्ड प्लांट मतलब जिनकी रूट्स क्या होती थी बेटा, पॉन्ड के नीचे मड में फिक्स रहती थी, बट ये जैसे जैसे वाटर फ्लो करता था उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उनकी स्टेम फ्लेक्सिबल होती थी, जिससे वो अपनी पोजिशन को चेंज कर लेते थे। ऐसे अंडर वाटर प्लांट्स में हमने देखा था, फिक्स्ड प्लांट का एग्जाम्पल हमने लोटस देखा था। अंडर वाटर प्लांट्स वो प्लांट जो कि कम्प्लीटली वाटर के अंदर ही रहते हैं, इनकी भी रूट्स बिल्कुल पॉन्ड के नीचे तक क्या रहती है बेटा, बिल्कुल पॉन्ड जो रहता, तालाब रहता है, उसके बिल्कुल नीचे तक मड में, बिल्कुल मड के अंदर जुड़ी हुई रहती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रिला, तीन टाइप्स के प्लांट्स पढ़ लिए थे हमने, एक्वेटिक प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट, फिक्स्ड प्लांट और फ्लोटिंग प्लांट्स। सो बेटा ये सारी क्वालिटीज़ थी प्लांट्स के अंदर कि कैसे वो डेवलप करते हैं वाटर के अंदर, कैसे वो टेरेस्ट्रियल में ग्रो करते हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।